दोस्तों एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है उन थॉट पे कि यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन मून प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशन इनका प्रभाव हम पे पड़ता है और इनसे हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को अफेक्ट होता है। और एस्ट्रोलॉजी ये भी क्लेम करता है कि अर्थ पे जो भी हो रहा हो या फिर आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा हो उन सबका जिम्मेदार यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडीज है और हमारा बर्थ डेट और हमारा बर्थ टाइम हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को एक समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एस्ट्रोनॉमी एक ट्रू साइंस है और जहां पर एस्ट्रोलॉजी एक साइंस बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी को एंशियंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा माना जाता था, इसलिए आज भी आप एस्ट्रोनॉमी में देखो तो आपको सिर्फ 6 प्लैनेट्स का ही नाम मिलने वाला है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मर्स, जुपिटर और सैटर्न। क्योंकि उन समय इंसानों को लगता था कि यूनिवर्स में सिर्फ 6 ही प्लैनेट्स होते हैं, पर धीरे धीरे करके इंसानों को पता लगने लगा कि यूनिवर्स में अनगिनत प्लैनेट्स है। इसी बात पर एस्ट्रोलॉजी झूठी साबित होती है, क्योंकि आप आज भी एस्ट्रोलॉजी में देखो तो वहाँ पर सिर्फ आपको 6 प्लैनेट्स का ही उल्लेख मिलेगा। आखिर एस्ट्रोनॉमी कहती है कि यूनिवर्स के सेलेस्ट्रियल बॉडीज हम पर इफेक्ट करती है, तो आखिर ये 6 प्लैनेट ही हम पर इफेक्ट क्यों करती है? और आज भी एस्ट्रोलॉजी के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। दोस्तों आप भी मेरी तरह एक ट्रू साइंस लवर हो तो आपको भी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक मजाक ही लगता होगा, पर आखिर इतने सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे इतना बिलीव क्यों करते हैं? दोस्तों साल 1948 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बर्टन फॉरवर्ड ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जहां पर पार्टिसिपेंट को एक फॉर्म में अपना बर्थ डेट और टाइम लिखने को कहा। बर्टन ने कहा कि वो उन सबके पर्सनैलिटी और बिहेवियर के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन देंगे, पर सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने वो सारे बर्थ टाइम और डेट के फॉर्म पढ़े ही नहीं और बिना पढ़े ही उन सबको एक फीडबैक फॉर्म दे दिया। पर सबसे कमाल की बात तो ये थी कि उन वहाँ पे मौजूद 80% से भी ज़्यादा लोगों को उनका पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन फीडबैक सही लगा। पर इससे भी सबसे कमाल की बात तो ये हुई कि जब सबको पता चला कि बर्टन ने सबके फीडबैक फॉर्म पर एक ही बात लिखी थी और बर्टन ने वो सब एक न्यूज़पेपर के हॉरोस्कोप कॉलम में से उठाया। दोस्तों आपको इससे ये बात तो पता चली चुकी होगी कि हॉरोस्कोप में जो भी लिखा रहता है वो इतना ज़्यादा सिमिलर होता है कि आप जब उसे पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये सब हो भी सकता है। तो दोस्तों ये था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अभी आप एस्ट्रोलॉजी को मानो या ना मानो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनसीन इजाजत लेता हूं आपसे, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।